हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बिना आधार कार्ड से ही आप अपने केवाईसी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूँ पूरा फुल केवाईसी करेंगे फ्रेंड्स, और इसमें आपको पेमेंट प्रूफ में भी दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में फ्रेंड्स, जो कि बोल्ड शॉर्ट पजल में है फ्रेंड्स। इसमें बताया जाता है कि आप आधार कार्ड से आपको केवाईसी करना पड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन मैं उसमें विदाउट आधार कार्ड से मैं अभी केवाईसी करके मैं अभी आपको लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। आप लोग के सामने मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स आप केवाईसी तभी कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में 500 रुपीज़ हो जाएगा। जैसे कि मैं अपने वॉलेट पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख पा रहे होंगे माई वॉलेट में 503 रुपीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इतना आपके पास होगा तभी आप इसमें केवाईसी कर सकेंगे, आपके पास तभी ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। तो आपको सिंपली ये गेम को खेल के कर लेना है फ्रेंड्स। सिंपली मेरा हो चुका है, तो सिंपली हम चलिए सीधे आपको हम अपने मुद्दे पर ले जाते हैं कि आप केवाईसी कैसे करेंगे फ्रेंड्स। सिंपली आपको वॉलेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको विथड्रॉ के सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, एक नया पेज आपके पास खुल के आएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया गया। देखिए बोनस केस ऊपर में लिखा गया, नीचे देखिए फ्रेंड्स केस विथड्रॉ इज अवेलेबल व्हेन केवाईसी हैज़ बीन डन। यानी जब आपका केवाईसी कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, तभी आप इसमें विथड्रॉ कर सकेंगे, तभी आपके जो विथड्रॉ का सेक्शन जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, तभी आपके पास एक्टिव होगा फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले केवाईसी करना है, तो सबसे पहले आपको गो टू मिनी जो है केवाईसी क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर में अलाउ जो है फ्रेंड्स, उसको वेरीफाई यहाँ पे कर लेना है। सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ये वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आप गवर्नमेंट का आईडी को पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पे आएगा, आप इससे भी केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी सारे जो टाइप है आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड, लेकिन हम बिना आधार कार्ड से ही आपको केवाईसी करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। सिंपली हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स हम बैक आ चुके हैं। बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए सबसे नीचे में एक लिंक जैसा दिख रहा होगा फ्रेंड्स, येलो कलर का है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं अभी आप लोग के सामने क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ से एक ब्राउजर को आपको चूज कर लेना है। मैं चूज कर लिया हूँ फ्रेंड्स। चूज करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास एक नया पेज ओपन होगा फ्रेंड्स। यहाँ देखिए फ्रेंड्स ऊपर में लिख दिया है कंप्लीट अवर केवाईसी विथ आधार एट ये केवाईसी पॉइंट नियर यू। मैंने आपको केवाईसी पॉइंट के पास जाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन मैं आपको मोबाइल से ही करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको इंटर और पिन कोड। सिंपली हम अपना पिन कोड डाल लेते हैं, आपको भी अपना पिन कोड यहाँ से डाल लेना फ्रेंड्स। मैं अपना डाल लिया हूँ, यहाँ से सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास ऐसे आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो भी करना है यहाँ से करना है। देखिए क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा है फ्रेंड्स वांट टू कंप्लीट केवाईसी विदाउट आधार। यानी बिना आधार के आप केवाईसी कैसे करेंगे करना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना। क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कंप्लीट अवर केवाईसी विदाउट आधार, यानी बिना आधार को ही आप केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए इसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस पूरा इंपॉर्टेंट कर दिया फ्रेंड्स, आपको ड्राइविंग लाइसेंस है तो अभी आप कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको हेयर जो लिखा हुआ फ्रेंड्स, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास प्लीज वेट इस तरह से आएगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट स्टेट कर लेना है। सिंपली क्लिक करेंगे और आपका जो भी स्टेट है फ्रेंड्स आपको सिंपली वहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है फ्रेंड्स उस डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से सारा आपका डिटेल आ जाएगा ऑटोमेटिक फ्रेंड्स, आपको यहाँ कुछ नहीं करना। लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया गया, यहाँ लिखा है इफ बैक साइड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस स्टेट्स नॉट वैलिड फॉर एड्रेस प्रूफ, यानी यह आपका वैलिड नहीं होगा फ्रेंड्स या एड्रेस प्रूफ। इसलिए फ्रेंड देखिए इस एप्लीकेशन में कुछ भी बोला जा रहा है, हम तो कहेंगे हम आपको सबसे बढ़िया सलाह देंगे फ्रेंड्स कि आप इस एप्लीकेशन में कुछ भी वेरीफाई नहीं कीजिए, नहीं तो कभी भी कुछ हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ से हम आपको बता दें कि इस तरह से आप केवाईसी को विदाउट कर सकते हैं आधार कार्ड से, लेकिन आप नहीं करेंगे वही बेहतर रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इस एप्लीकेशन पर पूरा भरोसा नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।